कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कानपुर पहुंचा एसपी का प्रतिनिधि मंडल, 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल इरफान सोलंकी के परिजनों से मिला है। मामले की जांच करके आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेगा। फिलहाल इरफान और रिजवान सोलंकी दोनों फरार बताए जा रहे हैं। तो एसपी का प्रतिनिधि मंडल कानपुर पहुंचा हुआ है, इरफान सोलंकी के परिजनों से मुलाकात की है। एसपी के प्रतिनिधि मंडल ने मामले की जांच करके आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेगा। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में कानपुर से संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ गए, जो कि इरफान सोलंकी के घर के बाहर मौजूद हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट, कौन कौन लोग इरफान सोलंकी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए वीरे, हम लोग इस समय इरफान सोलंकी के घर के बाहर हैं और यहाँ पर जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि बाहर सपा कार्यकर्ता हैं, उनके पूरा जमावड़ा लगा हुआ है और इसके साथ ही साथ ये जो पूरे 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है, ये सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बनाया है। और इसमें जो सपा के मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे जी, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ ही इस पूरे प्रतिनिधि मंडल में कई सारे विधायक हैं, जो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी हैं। और इस समय हम लोग घर के अंदर ही मौजूद हैं और यहाँ पर भी अगर घर के अंदर भी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। और प्रतिनिधि मंडल इस समय जो इरफान के परिजन हैं उनके साथ में हैं, ऊपर के बंद कमरे में पूरी मुलाकात हो रही है, क्योंकि ये जो पूरे जांच दल है ये इस बात की जांच करने आया है कि जो पूरा इरफान का मामला था इसमें क्या सच्चाई है। इसीलिए सबसे पहले वो यहाँ पर आकर परिजनों से बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो रास्ता जा रहा है वहीं पे कमरे हैं जहाँ पर बंद कमरे के अंदर ये पूरा प्रतिनिधि मंडल जो जांच दल है ये परिजनों से बात कर रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे बात करने के बाद ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जो पीड़िता है जिसने एफआईआर कराई थी उससे भी बात होगी और उसके बाद ये पूरा जांच दल यहाँ से जो पुलिस कमिश्नर है उनके पास जाएगा और वहां पर जाके बातचीत करेगा। अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह के आदेश है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, उसकी पूरी जांच रिपोर्ट फिर सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन तक पहुंचाई जाए। जी वीरेंद्र, अनुराग, इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी जब से उन पर केस दर्ज किया गया है वो फरार बताए जा रहे हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी पुलिस प्रशासन को या फिर एसपी का प्रतिनिधि मंडल जो कि आज उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है उनके पास? देखिए, अगर हम इरफान और रिजवान की बात करें तो इनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ था, पहले दो धाराओं में दायर हुआ था, उसके बाद काफी गंभीर धाराएं इसमें बढ़ा दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार एक एसआईटी की भी गठन किया गया है यहाँ पे पुलिस कमिश्नर की तरफ से, जो पूरे इस मामले की जांच कर रहा है। और इसके साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि रिजवान और इरफान कहां पर है इसका पूरा पता किया जाए। साथ ही साथ जो दूसरी तरफ परिजन है उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में दोनों लोग निर्दोष हैं और इसको लेकर उन्होंने कल एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसको हमारे चैनल पे भी दिखाया गया था। उसमें ये उनका ये कहना था कि ये जो आग लगी थी वो पटाखे की वजह से लगी थी और इसमें इरफान और रिजवान का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये पूरा मामला जांच का विषय है और इसके बाद इसीलिए जांच दल भी आया हुआ है ताकि वो अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगा। इसके साथ ही साथ वो अपनी रिपोर्ट जो पुलिस कमिश्नर है उनको भी देगा और दूसरी तरफ रिजवान और इरफान की खोज जारी है। जी अनुराग, पीड़ित जो महिला है जिसने आरोप लगाया था इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी पर, उसका अब वीडियो सामने आने के बाद क्या कुछ कहना है? देखिए, जब वीडियो परिजनों की तरफ से आया था, इरफान के परिजनों की तरफ से, उसके बाद हम लोग ने पीड़िता से भी बात करी थी और उसको इस बारे में भी पूछा गया था, सवाल किया गया था कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई कितनी है, क्योंकि यहाँ पे पटाखों से आग लगने वाली बात आ रही थी। तब वहां पे पीड़िता ने कहा था कि ये एक तरफा कहानी दिखाई जा रही है क्योंकि दूसरी तरफ एक दरवाजा रिजवान के घर का ऐसा है जो कि प्लॉट पे खुलता है और उस पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो इसलिए उसका आरोप तो यही है कि वहां से लोग आए थे और उन्होंने आग लगाई थी। और दूसरी तरफ जो इरफान के परिजन है उनका ये कहना है कि जो दूसरे घर से के चल रहे थे उससे आग लगी है। इसीलिए इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन इसीलिए किया गया है ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ सके, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और अब जो जांच दल आया है वो यहां से सीधे पुलिस कमिश्नर के पास जाएगा, फिर वहां पर बातचीत करेगा और उसके बाद फिर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। जी ठीक है अनुराग, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट होगी तो आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।